90 days basic to advanced English speaking course day 8 आज हमें गुटे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़िबा जोंतरे हमें बहुत सारा वर्ड्स जानिबा जहारो मीनिंग सेम दछे जहारो मीनिंग गोटे बट बहुत सारा वर्ड्स रहिछे जहारो मीनिंग एक अछि एंड से सब वर्ड्स रो हमें करेक्ट यूज जानिबा ता सहित केमते हमें स्पोकन इंग्लिश रे यूज करिबा से सब जानिबा जोटे कि स्पोकन इंग्लिश रे वेरी इंटरेस्टिंगली यूज बे हिताए सो आमे जदि से सब वर्ड्स रो करेक्ट यूज जानि जिबा तले आमे भी इंटरेस्टिंग वे रे स्पोकन इंग्लिश रे यूज कर परबा तले चलन तो आजरो क्लास स्टार्ट करबा सो फर्स्ट आमे देखिबे कि आल्सो जेमति कि आल्सो आज वेल टू इवन ए सबुरो मीनिंग सेम ए सबुरो मीनिंग सेम अछि बट आमे कोटी कहा को यूज करबा एमन को करेक्ट यूज कोन करेक्ट सेंस कोन आसो छि से सब जानिबा सो फर्स्ट आमे देखिबे कि आल्सो एंड अल्सो रो मीनिंग कौन ना बी बा मध्य ए अर्थरे तो आम यूज करते हो ना अल्सो को बट आम अल्सो को कोड़ी यूज करवा सेंटेंस से कोड़ी यूज करवा सेटा जानवा बहुत जरूरी सो से फर्स्ट आम तार स्ट्रक्चर जानवा कि फर्स्ट आम सब्जेक्ट रहा सब्जेक्ट पर हेल्पिंग वर्ब रहा देन आम अल्सो यूज करवा तापर ऑब्जेक्ट तो आम सब मन रखा कि हेल्पिंग वर्ब पर आम सब अल्सो यूज करवा जमी कह मु भी जीवी बा आम कहीपर मुझे जी आई विल अल्सो गो ये विल हेल्पिंग वर्ब पर आम यूज कले अल्सो सेमती कह तुम्हें इंग्राजी कहीपर यू क्यान अल्सो स्पीक इंग्लीश क्यान पर आम अल्सो यूज कले जोटा कि क्यान गोटे हेल्पिंग वर्ब ओके सेमती कह भी नाचिपारि मुझिपारि आई क्यान अल्सो डांस आई क्यान अल्सो डांस तो क्यान पर आम अल्सो यूज कले सो नेक्स्ट देखा कि इवेन इवेन रो मीनिंग भी सही मध्यम बा बी बट आम सेंटेंस कौटी यूज करवा सहीटा आमको जानवा जरूरी तो सब मन रखा कि इवेन को सब आम सेंटेन्स स्टार्टिंग ही यूज करवा इवेन सेंटेन्स कौटी भी यूज हम केवल आम स्टार्टिंग ही यूज करवा सो फर्स्ट आम इवेन आसो देन सब्जेक्ट रहा आम हेल्पिंग यूज करवापर ऑब्जेक्ट ओके ये मन रखा कि इवेन को आम सब सेंटेन्स स्टार्टिंग यूज करवा एंड अल्सो को आम हेल्पिंग पर यूज करवा फॉर एग्जांपल रवि खेली पार कह कि रवि खेली पार इवेन रवि कैन प्ले तुम्हें आसीपर तुम्हें भी आसीपर इवेन यू कैन कम तुम्हें भी आसीपर तुम्हें आसीपर सेमती कह मुपर मुपर इवेन आई कैन गो इवेन आई कैन गो सो इवेन को आम सब सेंटेन्स स्टार्टिंग रे यूज करवा तबे आम अल्सो एंड इवेन रो मीनिंग जानले कि मध्यम बा बी अर्थ रे यूज करवा एंड अल्सो को आम अल्सो को आम हेल्पिंग पर यूज करवा एंड इवेन को आम सब सेंटेन्स स्टार्टिंग रे इन द बिगनिंग यूज करवा बट आम एवं जानवा कि अल्सो एंड इवेन मध्य डिफरेन्स कौन रही एंड आम कौटी क्या यूज करवा मीनिंग तो सेम बट क्या कौटी यूज करवा सेटा आम जानवा दरकार कौ सेन्स क्या यूज करवा कौटी केमती से जानवा जरूरी तो इवेन आम से यूज करवा मीनस कंपेयर विथ सेल्फ जदि आम कौन से जिनस को निज सहित कंपेयर करुवा से इवेन यूज करवा एंड जदि आम कौन से जिनस को अग क्या सहित कंपेयर करुवा जमी कंपेयर विथ अदर्स अग क्या सहित कंपेयर कले आम अल्सो यूज करवा एंड निज सह जब आम कि कंपेयर करवा से इवेन यूज करवा फॉर एग्जांपल मु नाचि भी पारि बा मु नाचि मध्यम पारि ये आम इवेन भी यूज कर परबा एंड अल्सो भी यूज कर परबा बट कोटी को सेंस रे आम कहा को यूज करवा सेटा जानवा जरूरी तो जदि मु निज सहित किछ कंपेयर करी से मु इवेन यूज करी जमी मुझ कह सपोज मु कह कि मु नाचि भी पारि ओके ये मु कह कि मु गीत गाईपरि लिपसिंग करी मु नाचि भी पारि ये कौन मोर अदर एक्टिविटीज सहित मुचवाक भी कंपेयर कली कि मु गीत गाईपरि लिपसिंग करी मु नाचि भी पारि तो ये निजर किसी अदर एक्टिविटीज सहित मु कंपेयर कली डांस को तो से लगे मुझे इवेन यूज करी ओके बट जब मुझे डांस को मोर ये डांस एक्टिविटी को मुझे अन्य क्या सह कंपेयर करी ये मुझे अल्सो यूज करी सपोज मु कह सपोज आम कि फ्रेंड्स एमती कनवरसेसन चलती जड़े फ्रेंड कहला कि प्रिया भल गीत गाईपे आल नाचि भी पारे तो मुझे कहूँ कि मु भी नाचिपारि से भल गीत गाईपे से नाचिपे तो से कहूँ कि मुझे नाचिपारि मुझे नाचिपे मीनस मो प्रियार डांस सहित मो डांस को मुझे कंपेयर कली मोर एक्टिविटी को मुझे कंपेयर कली एक्टिविट सहित कि से भी नाचिपर खाली नाचिपारे मुझे नाचिपे मुझे नाचिपारि तो मुझे कौन अग क्या सह कंपेयर कली अग कहार एक्टिविट सहित मो एक्टिविट को कंपेयर कली से आम कौन यूज करवे ना अल्सो तो कह कि आई क्यान अल्सो डांस मुझे नाचिपारि
एंड जदि मुझे कह निज कंपेयर करी तेज़े से कौन कह इवेन आई कैन डांस मुझे नाचिपारि मुझे नाचिपारि मीनस मोर अदर आक्टिट सहित मुझे मोर डांस आक्टिट को भी कंपेयर कली तेज़े से इवेन यूज कली ओके सेमती कह मुझे इंग्रजी कहीपरि ये भी आम इवेन एंड अल्सो यूज कर पार कि आई कैन अल्सो स्पीक इंग्लीश ना कहीपर कि इवेन आई कैन स्पीक इंग्लीश इवेन आई कैन स्पीक इंग्लीश तो इवेन आम यूज करवा जदि आम निज कि कंपेयर करवा तो आम इवेन यूज करवा एंड अदर कहासमें कंपेयर करवा से आम अल्सो यूज करवा ओके सो नेक्स्ट वर्ड देखा नेक्स्ट देखा कि टू टू रो मीनिंग कौन मध्यम बा बी अर्थ में यूज करते बट टू आम सब बड़े सेन्टेन्स लास्ट रे यूज करवा फर्स्ट आम सेन्टेन्स आसो देन आम सेन्टेन्स लास्ट रे बा एंडिंग एंडिंग रे आम टू यूज करवा जोटा कि मध्यम बा बी अर्थ में आम यूज करवा टू ओके बट ओडिया जिते आम मध्यम बा बी यूज करवा खाली चेंज एति के आसो कि मुझे इंग्रजी कहीपरि आम यूज करते स्टार्टिंग रे बा लास्ट जो सेंटेंस देखिले बट एबे आम यूज करवा कि मुझे इंग्रजी मध्यम कहीपरि इंग्रजी बी कहीपरि खाली मध्यम बा बीटा आम पर यूज करवा कि मुझे इंग्रजी बी कहीपरि इंग्रजी मध्यम कहीपरि एंड आम टू को सब बड़े सेंटेन्स लास्ट ही यूज करवा कि आई कैन स्पीक इंग्लीश टू आई कैन स्पीक इंग्लीश टू मुझे इंग्रजी कहीपरि सेमती कह ताजमहल देखी ताजमहल भी देखी आई हाव सीन द ताजमहल टू आई हाव सीन द ताजमहल टू ओके नेक्स्ट देखा कि आजवेल आजवेल मीनिंग भी मध्यम बा बी अर्थ में यूज कर था एंड आजवेल को भी आम सेन्टेन्स लास्ट यूज करवा जहाँ मोर सेन्टेन्स थोड़ा रईट करवा देन सेन्टेन्स लास्ट एंडिंग आम आजवेल यूज करवा मध्यम बा बी अर्थ में ओके सो एम एक्जाम्पल देखा मुझे इंग्रजी कहीपरि इंग्रजी बी कहीपरि से सेम एक्जाम्पल आम ने कि आई कैन स्पीक इंग्लीश आज वेल आई कैन स्पीक इंग्लीश आज वेल आज वेल को आम सेन्टेन्स लास्ट यूज करवा आज वेल एंड टू को ओके आई कैन स्पीक इंग्लीश आज वेल मुझे इंग्रजी कहीपरि सेमती कह ताजमहल देखी ताजमहल भी देखी आई हाव सीन द ताजमहल आज वेल आई हाव सीन द ताजमहल आज वेल बट एम को डिफरेन्स कौन अच्छे टू एंड आज वेल को आम सब सेन्टेन्स लास्ट एंडिंग रे यूज करवा जोटा कि बी बा हिसाब से बट एम डिफरेन्स कौन अच्छे क्या कौ सेन्स कौट यूज करवा से जानवा जदि आम कौन सेन्टेन्स कह कौन जिनस विषय कह कंपेयर न करवा से टू यूज करवा जदि आम क्या कंपेयर करवा तो आज वेल यूज करवा जमी कह इंग्रजी कहीपरि इंग्रजी बी कहीपरि ये आम टू भी यूज करपर एंड आज वेल भी यूज करपर बट सेन्स डिफरेन्स एम कौन अच्छे जमी कह इंग्रजी कहीपरि इंग्रजी बी कहीपरि ये जब आम कंपेयर करवानि सेमती कह टू यूज करवा सपोज मुझे कहि तमिल कहीपरि उर्दू कहीपरि हिंदी कहीपरि इंग्रजी भी कहीपरि तो ये मुझे कौन कली कंपेयर करनी मोर आक्टिविटीज कहूँ कि तमिल कहीपरि उर्दू कहीपरि हिंदी कहीपरि इंग्रजी भी कहीपरि तो ये आम नट कंपेयर सेन्स यूज कले टू जदि आम कंपेयर करवा से आज वेल यूज करवा जमी कह बट जदि आम कंपेयर करवा से आज वेल यूज करवा जमी आम क्या सहित कंपेयर करवा कि सपोज कह कि सपोज प्रिया प्रिया हिंदी कहीपे उर्दू कहीपे इंग्लीश भी भल इंग्लीश भी कहीपे तो से कह कि मुझे इंग्लीश कहीपे मुझे भल इंग्लीश कहीपे मुझे इंग्लीश कहीपरि तो सी कौन कंपेरिजन आसगला तो कंपेरिजन सेन्स यूज करवा आज वेल ना जब आम नट कंपेयर सेन्स यूज करवा टू आई कैन स्पीक इंग्लीश टू कहीपर ना आई कैन स्पीक इंग्लीश आज वेल जब आम कंपेयर करवा क्या सहित तो आज वेल यूज करवा एंड सेन्टेन्स लास्ट हम यूज करवा आई कैन स्पीक इंग्लीश आज वेल ओके सेमती कह ताजमहल देखी आई हाव सीन द ताजमहल आज वेल जब आम कंपेयर कले कंपेयर जब करवाठी आज वेल यूज करवा एंड जदि आम नर्माली कहटी टू यूज करवा नॉट कंपेयर नॉट कंपेयर सेन्स कि आई हाव सीन द ताजमहल टू ओके सो अब आम ओवरलुक करवा कि मुझे ताजमहल देखी सेन्टेन्स कौन अल्सो यूज करपरवा इवेन यूज करपर आज वेल यूज करपर एंड टू भी यूज करपर एंड आम स्टार्टिंग रू पढ़ले कि आम अल्सो एंड इवेन को कौट यूज करवा ना बी एंड मध्य सेन्स यूज करवा बट अल्सो को आम हेल्पिंग वर्ब पर यूज करवा एंड इवेन को आम सब सेन्टेन्स स्टार्टिंग यूज करवा
एंड जदि निज सह आम किसी कंपेयर करवा इवेन यूज करवा एंड कंपेयर विथ अदर्स अगर क्या सह जब किसी कंपेयर करवा अल्सो यूज करवा यहाँ आम मन रखा सेमती आज वेल एंड टू भी आम ए सेन्टेन्स यूज करेंड आज वेल एंड टू को सब सेन्टेन्स लास्ट एंडिंग हम यूज करवा एंड आज वेल आम कौटी यूज करवा जब मैंने किसी जिनस कंपेयर करवा आज वेल यूज करवा एंड जो आम नट कंपेयर सेन्स टू यूज करवा तो ये आपण किसी क्वेश्चन रही है जोटा कि आपको ट्रांसलेट करने को पड़ो एंड कमेंट बॉक्स रे कमेंट करने को पड़ो एंड सब सेंटेंसेस रे आपण कौन यूज करेंगे एंड यार आंसर कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करेंगे तुम्हें भी सीमा पर नाचिपार कि आम दिल्ली जाऊ तुम्हें यहाँ को आसपार तो यार आंसर कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करके।